गुड इवनिंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी फिजिक्स में एक नई सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं और सीरीज है हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्यारे बच्चों, आप बार बार क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट के बारे में कहते रहते हैं। प्यारे बच्चों, बात यह है कि जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो सिलेबस पूरा हो चुका है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो अधूरा रहता है। बट इस साल मुझे वो क्लास मिली नहीं है जिसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। जो इस बार मुझे क्लास पढ़ाने को मिली है उसमें एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उस पर अपन काम करेंगे, जो अधूरा छोड़ा हुआ है हमने उसको पूरा करेंगे। एक हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो करेंगे, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो भी हमारा काम बीच में छोड़ा हुआ है वो भी करेंगे। जहाँ तक क्लासिकल मैकेनिक्स की बात है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, पशुंस ब्रैकेट है, उसके बारे में आप बार बार कहते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में आप बार बार कहते हैं, तो ऐसा कर लेंगे कि सॉलिड स्टेट अगली बार जो हमारी क्लास मिलेगी उसमें हम ले लेंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर में है भी नहीं सॉलिड स्टेट, अगले सेमेस्टर में है। और क्वांटम की जहाँ तक बात है, जो टॉपिक्स के बारे में आप बार बार कहते हैं उन पे हम काम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही लेक्चर्स रहेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस पूरे टॉपिक का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है वो हमने समझना है। और इसमें मैंने एक एग्जांपल सोचा है अपनी तरफ से, तो वो एग्जांपल लेके हम यहाँ पे काम करेंगे। टेक्निकल टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, फिलहाल बस ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्यारे बच्चों, ये समझ लो, यहाँ मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक सड़क है और उस सड़क के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, नाम हम अभी उसका बताएंगे। थोड़ी दूरी पे एक दूसरा पेड़ है, वहां पे एक दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। यहां पे हमें दो व्यक्ति लेने जरूरी हैं, क्योंकि जो ये नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें एक वर्ड आपने डेली लाइफ में सुना होगा, रिलेटिव। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपके घर दो मेहमान आते हैं, आपने दोनों के लिए चाय बनाई, दोनों ने चाय पी, आपने पूछा भाई चाय कैसी थी, दोनों कहेंगे मीठी थी, हालांकि फीकी चाय भी होती है लेकिन आपने मीठी चाय बनाई, दोनों क्या कहेंगे, मीठी थी। अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपके घर जो दो मेहमान आए हैं उनको आपने चाय और गुलाब जामुन दोनों सर्व किए, तो एक मेहमान ने क्या किया, चाय उठाई पीना शुरू किया, दूसरे मेहमान ने क्या किया, गुलाब जामुन खाया फिर चाय पी। अब दोनों से पूछो भाई चाय कैसी थी, प्यारे बच्चों दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। जिसने गुलाब जामुन खा लिया उसको चाय फीकी लगेगी, वो ये नहीं बता सकता कि चीनी कम है कि चीनी ज़्यादा है, वो तो ये कहेगा भाई चाय जो है फीकी थी। सो स्टूडेंट, चाय मीठी है या फीकी है ये डिपेंड किस पे करता है कि आप किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं। यानी अगर गुलाब जामुन खाने के बाद बात करेंगे तो गुलाब जामुन के रिलेटिव में चाय फीकी थी, और अगर आप सीधी बात करेंगे तो चाय मीठी थी। तो यहाँ रिलेटिविटी का मतलब ये है कि ओपिनियन क्या है, कि आपका आपकी राय क्या है किसी चीज़ के बारे में, और वो अलग अलग लोगों से हमने पूछा तो वो फिर उनकी जो राय है वो एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स में है। जैसे प्यारे बच्चों, अभी हम आपसे एक क्वेश्चन ऐसा हम रख सकते हैं
कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है भाई वो कैसा है, तो कोई उसे अच्छा बताएगा, कोई उसे बुरा बताएगा, कोई उसे कहेगा हाँ ठीक ठाक है। तो यहाँ उनकी जो राय है वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही, क्योंकि वहाँ ओपिनियन अलग अलग लोगों से आप ले रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हमने अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेना है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो प्यारे बच्चों आते हैं शुरू में, दो दोस्त हैं सड़क के किनारे बैठे हैं, दोनों पेड़ की छांव में बैठे हैं, और दोनों जो दोस्त हैं उनको हमने फुल्ली इक्विप्ड किया हुआ है कि भाई आपको कोई भी चीज़ चाहिए किसी चीज़ को नापने के लिए, वो सारे उनको इंस्ट्रूमेंट हमने दे रखे हैं। अगर वो स्पीड नापना चाहें तो वो इंस्ट्रूमेंट भी हमने उनको दे रखा है, अगर वो वेलोसिटी नापना चाहें, डिस्प्लेसमेंट नापना चाहें, टाइम नापना चाहें, यानी घड़ी, फीता, वर्नियर कैलिपर, बड़ा स्केल, सब चीज़ उनके पास ही है। समझ लीजिए कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ अगर मेजर करनी है तो उनके पास वो है, सारा इंस्ट्रूमेंट उनके पास है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो पहला व्यक्ति बैठा है, अब हम उनको नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, ये है पहला पेड़ सड़क के किनारे, ये है दूसरा पेड़, यहाँ पहला आदमी बैठा है, तो वो एक्स वाई और जेड तीनों नाप सकता है। ये हमने पेड़ बना दिया उसका, ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्शन की चीज़ें नाप सकता है, इसके पास घड़ी भी है। तो हम ये कहेंगे कि आदमी जो बैठा है इसका अपने एक रेफरेंस फ्रेम है। पैर बच्चों, रेफरेंस फ्रेम के बारे में डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल जितना आपको पता है उतना ही समझ लीजिए, भाई रेफरेंस फ्रेम होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। तो प्यारे बच्चों ये उसका अपने एक रेफरेंस फ्रेम है, इसको मैंने रेड कलर से बनाया है क्योंकि जो आदमी बैठा है उसको हमने एक नाम दिया लाल सिंह, रेड कलर का फ्रेम लाल सिंह। दूसरा जो हमारा फ्रेम है ये ब्लू कलर का है, लेकिन मान लीजिए इट्स ग्रीन, ग्रीन टाइप ऑफ, कैमरा में पता नहीं है आपको ब्लू दिख रहा है कि ग्रीन, ये हमने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसका नाम हमने निकाल दिया हरी सिंह, हरे रंग का फ्रेम है, इसका नाम हो गया हरी सिंह। दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट है, और जो सड़क है उस पर एक कार है। पहली सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं प्यारे बच्चों क्या, जब हरी सिंह और लाल सिंह बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों बैठे हैं पेड़ के इस पास में। अब हमने सबसे पहले हरी सिंह से पूछा कि भाई ये जो कार दिख रही है इसकी पोजीशन क्या है, वो कहेगा इसकी पोजीशन है भाई एक्स प्राइम। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, तो यहाँ अब आप समझिए कि ये सारा प्राइम में होगा, ये सारा सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ हमने एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम खींचा है। वो कहता है ये एक्स प्राइम है। फिर हम पूछते हैं लाल सिंह भाई इसकी पोजीशन क्या है, तो लाल सिंह कहता है भाई इसकी जो पोजीशन है वो है एक्स। डायग्राम से देखिएगा दोनों की वैल्यू अलग है। तो प्यारे बच्चों क्वांटिटी है पोजीशन ऑफ कार, लाल सिंह के लिए इसकी पोजीशन क्या है एक्स, हरी सिंह के लिए इसकी पोजीशन क्या है एक्स प्राइम। दोनों का उत्तर सेम है कि अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात अलग अलग है, ये कहेगा 100 मीटर दूर है, ये कहेगा 10 मीटर दूर है, तो दोनों का आंसर अलग हो गया। तो व्हाट इज देयर ओपिनियन, दे डिसएग्री, पूरा आप लिख लेना, सो दे आर गोइंग टू डिसएग्री। फिर क्या हुआ बच्चों, कार थोड़ा सा आगे चली, मान लो कार 5 मीटर आगे सरक गई, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। लाल सिंह से पूछा कार कितना आगे सरकी, ओबेसी बात है वो कहेगा भाई 5 मीटर सरकी, उसको हमने कह दिया डेल्टा डी कह दिया मैंने। हरी सिंह से पूछा कार कितना सरकी, ये भी कहेगा भाई 5 मीटर सरकी, एंड दे बोथ एग्री, देयर ओपिनियन इज दे एग्री, बिकॉज दोनों के लिए जवाब क्या है सेम। ध्यान से सुनना, पोजीशन पे दोनों एग्री नहीं थे, कह रहे थे अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे दोनों क्या है
एग्री हो गए, बोले हाँ भाई इतना 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। साइज ऑफ कार, अब ये मैं सोचेगा ये कैसे, ये कहाँ कैसे नापेगा। मैंने बताया इसके पास सारा इंस्ट्रूमेंट है नापने का। हमने इससे पूछा भाई साइज क्या है कार का, ये कहेगा भाई कार का साइज एल है, 2.5 मीटर की लंबी कार है, 3 मीटर लंबी कार है। हरी सिंह को भी यही साइज मिलेगा कि नहीं, वो भी कहेगा हाँ भाई इतनी है, यानी बोथ एग्री। मास ऑफ कार, इससे पूछा लाल सिंह से भाई मास ऑफ कार बताओ, इसने कहा जी कार का मास है 350 किलो, इसको हमने एम से कहा 350 kg। हरी सिंह भी इसको 350 kg बताएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट दोनों के पास है और इंस्ट्रूमेंट आर करेक्ट, तो ये कहेगा भाई इसका मास इतना ही है, एंड दे बोथ एग्री। अब मान लीजिए अगर कार चल रही है, ठीक है, अगर कार चल रही है, सपोज कार चल रही है प्यारे बच्चों 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसको भी और इसको भी, इन दोनों के पास स्पीड नापने का इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का जवाब सेम होगा। वेलोसिटी ऑफ कार दोनों को कहेंगे भाई वी है, यानी 25 मीटर पर सेकंड दोनों के लिए है, एंड दे बोथ एग्री। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें है, आपको शायद ये कम दिखाई दे रहा होगा, कार के अंदर जो बैठे हैं आपकी तरह स्टूडेंट है, तो उनके पास एक पिज्जा है, एक बर्गर है, उन्होंने पिज्जा खाया, 5 मिनट के बाद बर्गर खाया, पिज्जा और बर्गर में 5 मिनट का अंतर गया। हमने लाल सिंह से पूछा भाई पिज्जा और बर्गर खाने में कितना अंतर था, वो कहेगा 5 मिनट, डेल्टा टी विच इज 5 मिनट्स। इसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी क्या कहेगा भाई 5 मिनट, एंड दे बोथ एग्री। तो पहले बच्चों एक चीज को छोड़ करके, पोजीशन को छोड़ के सारी चीजों पे एग्री हो रहे हैं। और अगर यहां एक्सेलरेशन की हम बात करें, कार में अगर एक्सेलरेशन हो तो उस पे भी ये दोनों एग्री करेंगे, जगह नहीं है बट आप समझिएगा। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। प्यारे बच्चों मैं यहां लिखूंगा, लेकिन ये टेबल उसके लिए है जो मैं लिखने वाला हूं, इसको येलो कलर से ही लिख देता हूं। इफ लाल सिंह एट रेस्ट और हमारा जो हरी सिंह है, हरी सिंह मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान रहे, और वो हमने एक वैल्यू ले ली बच्चों। प्यारे बच्चों अभी क्या हुआ, हरी सिंह के पास एक बाइक मिल गई और इसने बाइक चलाना शुरू कर दिया और कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड सपोज इट्स 20 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ दिस बाइक, एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। फिर उससे हम वही सारी बातें पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बात थी वो क्या थी, पोजीशन ऑफ द कार। अब देखिए कार चल रही है, ध्यान से सुनना, कार चल रही है, उसके साथ साथ हमारा ये जो मोहर, ये क्या नाम, हरी सिंह है भाई, ये भी चल रहा है विद वेलोसिटी वी, एंड वी इज 20 मीटर पर सेकंड। कार भी चल रही है, ये भी चल रहा है, ये यहीं बैठा है लाल सिंह, यही सारे केस में लाल सिंह बैठा ही रहेगा। तो पोजीशन पे दे आर नॉट गोइंग टू एग्री, क्योंकि इसके अनुसार तो पोजीशन सी थी एक्स, लेकिन इसके अनुसार पोजीशन अलग होगी, एंड द पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, इट्स इट मे बी यस इट्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि 20 की स्पीड से है, 25 की स्पीड से है, तो कॉन्स्टेंट, एंड दे बोथ डिसएग्री, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, एज दे आर मूविंग, ये मूव कर रहे हैं, इन दैट केस हम अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इट्स वेरी कॉमन सेंस। अगर मान लीजिए कार 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो मान लीजिए अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है,
तो इसके लिए भी 5 होगा और इसके लिए भी 5 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं दोनों। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 5 हुआ तो इसके अनुसार भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5। अगेन डेल्टा डी, डेल्टा डी दे एग्री, डिस्प्लेसमेंट इज सेम। साइज ऑफ द कार एल, एल एग्री। मास ऑफ द कार एम, एम 350, 350 एंड दे एग्री। वेलोसिटी ऑफ द कार, हाँ अब थोड़ा सोचिएगा, वेलोसिटी ऑफ कार। पहले बच्चों इससे अगर आप ये पूछेंगे भी कार की वेलोसिटी क्या है, अगर इसके पास पूरी चीजें हैं इक्विप्ड है, वो कहेगा 25 मीटर पर सेकेंड। इससे पूछेंगे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, ये कहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, इधर इधर वेलोसिटी पे एग्रीमेंट है इनका कि सेम है, बट यहाँ डिसएग्रीमेंट है। ये कहेगा वेलोसिटी 5 है, ये कहेगा 25 है। सो प्यारे बच्चों यहाँ वी है, यहाँ वी प्राइम है एंड दे डिसएग्री। फिर उसके बाद बच्चों आ गया हमारे पास, यस ईट पिज्जा एंड देन बर्गर। प्यारे बच्चों भले ही वो कार चल रही है लेकिन पहले वो पिज्जा खाते हैं, 5 मिनट के बाद वो बर्गर खाते हैं। इसके पास इंस्ट्रूमेंट है नोट करने का, इसके पास भी है, कहेंगे भाई 5 मिनट बाद इन्होंने बर्गर खाया है। तो वी कैन से डेल्टा टी दे बोथ एग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारी बात आती है तीसरी, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, नीचे वाली टेबल के लिए है। ये जो बच्चों मैंने लिखा है ये ऊपर वाली टेबल के लिए है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यानी, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं नीचे वाली के लिए रेड कलर से। लाल सिंह रेस्ट पर है, हरी सिंह मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वी प्राइम क्या है, इसकी वेलोसिटी को मैं अभी कोई सिंबल नहीं दे रहा हूं भाई। द वेलोसिटी विच विद विच इट इज मूविंग इज 2.5 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ये अभी जो हमारा जो ये हरी सिंह है, एक बात तो ये स्पष्ट है बाइक से वो नहीं जा सकता इतनी तेज स्पीड, बट बाय सम हाउ मान लीजिए कैसे भी करके वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है 2.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड से एंड वी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ये भी ध्यान रहे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। यहां भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, यहां भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, तो माइंड कहता है भाई जो ये बातें हैं वही आनी चाहिए, अलग अलग क्यों कर रहे हो। बट यहां एक बात सोचो बच्चों, यहां वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां है 2.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो फिर क्या होता है। अब जो हम यहां लिखेंगे दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एज वेल एज कॉमन सेंस भी है, खाली एक्सपेरिमेंटल नहीं है कॉमन सेंस भी इस पे एग्री करता है। इन दिस केस सबसे पहली बात पोजीशन डिसएग्री, डिस्प्लेसमेंट डिसएग्री, ये बड़ी काम की बात है। ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था यहां पे, आप डिस्प्लेसमेंट पे एग्री था कि इतना अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना दोनों के लिए सेम था। अब ये सोचने की बात है कि कार का डिस्प्लेसमेंट हरी सिंह के लिए अलग है, लाल सिंह के लिए अलग है, अब उत्तर किसका ठीक, अब ये बताइए उत्तर किसका ठीक। मैं पूछता हूं कि चाय मीठी है कि फीकी है, एक ने कहा फीकी है, एक ने कहा मीठी है, जिसने कहा फीकी है क्योंकि उसने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि गुलाब जामुन वाला झूठ बोल रहा है, नो एक्चुअल में उसको फीकी लग रही है।
आप उसको झूठा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप चाय पियेंगे और आपको मीठी लगेगी, आप कहेंगे नहीं, चाय मीठी है, मैंने पी है। भाई आप गुलाब जामुन खा के पी लीजिए फिर बताइए। तो जब आप गुलाब जामुन खा लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाते हैं जो कह रहा चाय फीकी है, और अगर आप खाली चाय पी रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाते हैं जब आप सीधी चाय पीते हैं, वो मीठी वाले में आ जाएंगे आप। तो प्यारे बच्चों, अब आप किसको सही देंगे किसको गलत देंगे, जब दोनों सच बोल रहे हैं, यही हमारे साथ यहां पे डायलेमा है। डिस्प्लेसमेंट ये भी ठीक बताएगा, ये भी ठीक बताएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम से जो कन्फ्यूजन होता है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो जनरली वी गेट कन्फ्यूज, यार कौन से फ्रेम में मूविंग है, कौन सा रेस्ट पे है। वहाँ कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को भी तो मान लेते हैं। हम लाल सिंह हरी सिंह की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को लाल सिंह के साथ मान लोगे क्योंकि वो रेस्ट पे है। हमने कहा कार 5 मीटर आगे सरकी, आप कहेंगे ये ठीक बोल रहा है, ये कह रहा है 5 मीटर आगे सरकी, इसने देखा है, देखा इसने भी है, ये कहेगा 4 मीटर सरकी है। अब सही कौन? आप इसके साथ बैठिएगा, ये कहेगा 5 मीटर सरकी है। आप इसकी बाइक, आप इसके साथ बैठिएगा, इतनी स्पीड से चलिएगा 4 मीटर आएगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का धीरे धीरे हमें अब आइडिया हो रहा है ये क्या मामला है। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रहे, ऐसा नहीं होगा कि इसको लगेगा कि 4 है, लगने वाली बात नहीं है, 4 ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कई बार ऐसा नहीं लगता है, दूर से कोई आ रहा है आपको लगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन जब वो पास आया देखा अरे ये तो दोस्त नहीं है, आप क्या कहेंगे यार मेरे को ऐसा लगा आप मेरे दोस्त हैं। भाई यहाँ लग नहीं रहा है, यहाँ एक्चुअल में है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 4 है। सो दे डिसएग्री। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कार, कमाल की बात है। अब देखना साइज ऑफ कार, ये कह रहा था भाई एल है, साइज ऑफ कार कह रहा था एल है, ये कहेगा ना भाई एल डैश है, ये कहेगा 4 मीटर की कार है, ये कहेगा नहीं 3.5 मीटर की कार है। और अगेन ही हैज प्रूफ, ही हैज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ही हैज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, बट दी प्रूफ आर नॉट एग्रिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो देयर इज डिसएग्रीमेंट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज मास, कमाल की बात है, देखो मास ऑफ कार, ये कहेगा भाई 350 किलो की है, अभी बताया था ना, बोले कि 350 किलो की, नहीं ये कहेगा ना 400 किलो की है। दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट भी वही है जो इनके पास पहले थे, यानी पहले जब हरी सिंह के पास जो इंस्ट्रूमेंट था, जो इसका मास नाप रहा था, उसने जवाब दिया था 350। अब वही इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है, ये कार 400 kg की है, और अगेन इट इज नॉट अपियरिंग इट इज ऑफ 400 kg। सो देयर स्टूडेंट हियर अगेन देयर इज डिसएग्रीमेंट। नाउ वेलोसिटी, अगेन प्यारे बच्चों इसके लिए वेलोसिटी वी है, इसके लिए वी प्राइम है, डिसएग्रीमेंट। यानी कार जो 25 की स्पीड से चल रही है, ये कह रहा है 25 की से चल रही है, बोलेगा नहीं 25 नहीं है, अलग है। और प्यारे बच्चों अब आप तो इसके साथ जुड़ जाएंगे लाल सिंह के साथ, बोले नहीं यार 25 की थी पहले, ये भी तो कह रहा था 25 की है, इसके सारे इंस्ट्रूमेंट कह रहे थे 25 की। देखो इंसान से गलती हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट से गलती नहीं हो सकती, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को यूज ही गलत करेंगे तो गलत जवाब देगा। बट डियर स्टूडेंट इन दिस केस द सेम पर्सन हरी सिंह तो पहले कह रहा था कि ये 350 की है, अब वो क्या कह रहा है 400 kg की है। ठीक है, और वही वेलोसिटी पे भी कह रहा है कि नहीं इसकी वेलोसिटी 25 नहीं है, अलग है। अगेन देयर इज ए डिसएग्रीमेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईट पिज्जा एंड बर्गर, यहां होएगा असली खेल। तो प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए ना आप ये लाल सिंह हरी सिंह को छोड़ के आप कार में बैठ जाओ, ठीक है, आप ये सोचो आप कार में बैठे हैं और आपने पहले क्या खाया, पिज्जा खाया,
5 मिनट बाद आपने बर्गर खाया, लेकिन अब ये 5 मिनट का मतलब क्या? 5 मिनट का मतलब लाल सिंह के अकॉर्डिंग आपने 5 मिनट के बाद बर्गर खाया। हरि सिंह विच इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी विल से नो, आपने बर्गर 4 मिनट में खाया पिज्जा के बाद। इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट मे बी पॉसिबल, इसका जवाब ये भी हो सकता है आपने 3 मिनट में खाया। अब एक बात सोचो यार, तुम 5 मिनट में खा रहे हो अकॉर्डिंग टू लाल सिंह, वो 4 मिनट में कैसे खा लेगा? ये कह रहा कि 4 मिनट पहले, 4 मिनट का अंतर है, यानी ये पहले कैसे खा लिया इसने? उसके अनुसार क्या है 5 मिनट, इसके अनुसार क्या है 4 मिनट। यानी जो घटनाएं हुई है दो, पहली घटना पिज्जा खाया, दूसरी घटना बर्गर खाया, वो एक साथ नहीं हुई। आपने अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा तो यह था रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी ये घटनाएं भी अलग अलग समय पे हुई है, दोनों के हिसाब से अलग अलग। अब आपसे पूछता हूं, आप तो कार में बैठे हैं भाई, आपने कब खाया? 5 मिनट बाद खाया कि 4 मिनट बाद? अब वो दोनों के पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मना नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट ने दिया है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, आप क्या जवाब देंगे 5 का है कि 4 का? प्यारे बच्चों आपकी स्पीड अगर 25 है तो लाल सिंह की बात ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप 25 पे हैं, 25 पे क्या हो रहा है? ये स्पीड आपकी कम है तो 20 या 25 पे क्या हो रहा है? यू विल एग्री, आप इसके साथ एग्री करेंगे लाल सिंह के साथ, आप कहेंगे नहीं हमने तो 5 मिनट में खाया था। लेकिन अगर इससे हम हरी सिंह से पूछेंगे ना 4 मिनट में खाया, अब ये सोचिएगा कि क्या मामला है, कि जो काम 1 मिनट बाद आपने किया है वो इसके लिए 1 मिनट पहले कैसे होगा? यानी कि घटनाएं जो हो रही है वो भी एक साथ नहीं हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो डियर स्टूडेंट इन दिस लास्ट पॉइंट, डेल्टा टी डेस अगेन देर इज डिसएग्रीमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे हमने यहाँ कहा था, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की बात करें, इसके लिए एक्सेलरेशन पे देर इज एग्रीमेंट, एंड इन दिस केस फॉर एक्सेलरेशन देर इज नो एनी एग्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, देखो थोड़ा मुझे स्पेस और डिटेल से चाहिएगा, मैं 3 हिस्से बना देता हूँ, एक हिस्से में मैं बात करूँगा इसकी, एक हिस्से में मैं बात करूँगा इसकी, एक हिस्सा और रह गया अभी हमारा, उसकी बात बाद में करेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 हिस्से मैंने बना दिए हैं, एक दो, तीसरे हिस्से की बात नीचे ही होगी। एक्सेलरेशन ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इस केस के लिए एक्सेलरेशन इज सेम, एंड फॉर दिस केस एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। और प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन डिफरेंट का मतलब एफ इक्वल्स एम ए डिफरेंट, इसका मतलब जब इतनी स्पीड हो गई न्यूटन्स लॉ इज नॉट गोइंग टू फॉलो, एंड इन दिस केस इफ एक्सेलरेशन इज सेम देन न्यूटन्स लॉ इज गोइंग टू फॉलो। तो प्यारे बच्चों यहां न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ओबेड, यहां देखिएगा इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, हेयर इन दिस केस न्यूटन्स लॉ ओबेड, बट बच्चा इन दिस केस इन द थर्ड केस, सॉरी माइक थोड़ा सा टकरा हो गया, न्यूटन्स लॉ इज नॉट ओबेड इन दिस फॉर्म, क्योंकि एम अलग है, कहा गया हमारा मास ऑफ द कार पे आपका डिसएग्रीमेंट है। तो प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्पीड कम है, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर स्पीड कम है तो न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहे हैं, अगर स्पीड हो गई ज़्यादा फिर न्यूटन्स लॉ ओबे
नहीं हो रहे। यहां ज्यादा का मतलब द स्पीड इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों जब न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, वैसे तो देखें ना हम न्यूटन्स लॉ 200 सालों तक लगातार उन पे कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि अपने डेली लाइफ में यही होता है, रेस्ट भी होंगे या मूविंग होंगे, मूविंग होंगे तो स्पीड थोड़ी बहुत होगी, लेकिन तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, इन दैट केस देर इज सम प्रॉब्लम विद न्यूटन्स लॉ। एंड द प्रॉब्लम वॉज रेज्ड बाई सर अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा कि न्यूटन्स लॉ इस रूप में ओबे नहीं होंगे, एंड द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो गिवन बाई सर अल्बर्ट आइंस्टीन। और जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया दैट इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टॉपिक क्या हमारा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन सर ने नहीं दी, उससे पहले भी थी। ये जो हमने लिखा है ना, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि एक आदमी को दूसरी चीज कैसी दिखेगी, यानी दो अलग अलग ऑब्जर्वर को ये कैसा दिखता है, दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट यू कैन से दिस इज न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यू कैन से इट्स गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट एज वी मूव इन टू दिस डोमेन, 2.5 × 10⁸ m पर सेकेंड, नाउ दिस इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, एंड इट इज गिवन बाय सर अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905। एंड डियर स्टूडेंट देर इज ऑल्सो वन मोर केस, एंड दैट केस इज इफ, लिखी देता हूं इफ, क्या है हमारे हरी सिंह, इफ हरी सिंह इज एक्सलरेटेड। अभी देखो हमने पहले इसको रेस्ट पे रखा, फिर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रखा 20 की से, फिर हमने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रखा इतनी हाई स्पीड से, और फिर अब हम चौथे केस में क्या कर रहे हैं कि ये अगर एक्सेलरेटेड है देन फिर ये जो स्टोरी आएगी दैट इज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, एंड ये स्टूडेंट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में आया, 1915 में आया। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटेड विद द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। और प्यारे बच्चों इसमें और दो तीन बातें मैं आपको बताऊं। यस, इन दिस टू केसेस, इन दिस केस एंड इन दिस केस, स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। इन दिस केस एंड दिस केस स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। इसका मतलब समझिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? हम ये केस कंसिडर करते हैं, लाल सिंह मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 m/s, हरी सिंह एट रेस्ट। हरी सिंह और लाल सिंह जब एक जगह साथ थे तो ये इससे कहता है, लाल सिंह हरी सिंह से कहता है, भाई सुनो आज तारीख हो गई हमारी 22 जैन, इसको कहता भाई 30 जनवरी को, 30th of January हमारे घर एक शादी है, आप आ जाना। ठीक है, देखिए हाँ ठीक आ जाएंगे, हो गया। यहाँ दो बातें हुई, इन्होंने कहा हमारे घर आ जाना, दैट इज द मैटर ऑफ स्पेस, एंड ये स्टूडेंट इसने कहा 30 तारीख को आ जाना, दैट इज मैटर ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों अब ये 20 m/s की स्पीड से चला गया, घूम फिर के और इधर उधर चल चुल के 30 तारीख को इसके घर आ गया। इसके घर जो शादी थी, फंक्शन था, उसमें शरीक हुआ, बोले नमस्ते ठीक है चलो। यहाँ एब्सोल्यूट टाइम का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट टाइम का मतलब बेरे बच्चों ये हुआ, जब इसने कहा 30 जनवरी तो इसने भी 30 जनवरी का अपना कैलेंडर में देखा और घर पहुंच गया। और इन दिस डोमेन टाइम एंड स्पेस आर नॉट ऑफ एब्सोल्यूट, इसका मतलब समझिएगा, टाइम एंड स्पेस आर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब सुनो, अगर ये दोनों एक साथ हैं
लाल सिंह कहता है 30 तारीख को आ जाना भाई, घर शादी है। ये कहता है ठीक है आ जाऊंगा 30 तारीख को। इसके पास कैलेंडर भी है, इसके पास घड़ी भी है, और ये इस स्पीड से निकल लिया। ठीक है, इस स्पीड से निकल लिया, और जब निकल के जब इसके इसके कैलेंडर में 30 जनवरी होगा, ये वापस इसके घर पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, इसके घर जब ये पहुंचेगा तो उस दिन 10 फरवरी होगा, 5 फरवरी होगा, लेकिन 30 जनवरी नहीं होगा। समझ गए? कैलेंडर लेके गया था साथ में, घड़ी भी लेके गया साथ में, हर 24 घंटे के बाद तारीख बदल रहा था। और जब इसके हिसाब से 30 हुआ, ये आ गया, यहाँ पहुंचा। ये कह रहा है भाई 30 की शादी थी, 10 तारीख। ये कहता ना यार 30 तारीख है, मेरे पास कैलेंडर है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास सबूत है। ये कहो भाई किसी से पूछ ले जाके बाहर, आप पूछो तो बताएगा 10 फरवरी था। इट मीन्स टाइम इज नॉट सेम फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज रिलेटिव। भाई आपकी चाय का जो मीठापन फीकापन है वो तो रिलेटिव था ही, अब टाइम भी रिलेटिव है। यानी कि एक आदमी से तारीख बोल रहा हूं कुछ बोल रहा है, दूसरे से बोल रहा हूं तारीख कुछ बोल रहा है। बट व्हेन व्हेन द स्पीड इज दिस वन, तो पर अगर इतना स्पीड हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि टाइम का भी नहीं पता। और ये खाली घड़ी की बात नहीं है कि घड़ी धीरे चलेगी, ना ना ना, वो पूरा समय ही धीरे चलेगा। आप ये मत सोचिए कि इतनी स्पीड से आप चले तो भाई घड़ी जो है वो धीरे चलने लग गई, तो इसके 30 तारीख हुई जब तक उसमें उनकी घड़ी जो है काफी आगे, ऐसा नहीं है। समय ही धीरे होगा। यानी अगर ये बात हो, अगर ये इससे कह दे भाई 1 साल बाद आना इसको, तो ये अपने हिसाब से 1 साल बाद जब आएगा, इतनी स्पीड से ट्रेवल करने के बाद जब ये वापस आएगा 1 साल बाद, हो सकता है यहाँ 4-5 साल जा लिए हों। और प्यारे बच्चों, इस आदमी की एज भी 1 साल जितनी ही बढ़ेगी जब ये वापस आएगा, और इसकी एज 5 साल जितनी ही बढ़ेगी। हो सकता है इसके बाल ज़्यादा धोले हो, सफ़ेद हो जाए, वाइट हो जाए, ग्रे हो जाए, और इसके जो हैं कम हो, क्योंकि टाइम ही अपने आप में उस, और आपको पता भी नहीं लगेगा। द पर्सन हरी सिंह डजेंट फील कि टाइम धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। यानी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इवन स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट। स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट मीन्स यहाँ इस स्पीड में आ जाएंगे तो टाइम और जो है ना हमारा, टाइम और स्पेस ये एंटेंगल्ड हो जाते हैं, दे मिक्स अप विद ईच अदर। यानी कि ये जो है ना पिज्जा बर्गर, प्यारे बच्चों, ये डेल्टा टी है ना, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, यानी मान लीजिए एक इवेंट यहाँ हो रहा है, एक इवेंट यहाँ हो रहा है, तो इनके बीच का जो टाइमिंग है वो भी फर्क पड़ेगा। किससे? स्पेस, यानी स्पेस और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। फिलहाल हमारा स्पेस और टाइम डिपेंड नहीं करता। प्यारे बच्चों, आप जहां भी हैं, मैं जहां भी हूं, आज वही तारीख है, वही टाइम है। यानी आप मतलब अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें, मैं उसकी बात करूं, ग्रीनविच मीन टाइम की अगर आप बात करो तो सभी के लिए सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके देश का स्टैंडर्ड टाइम कुछ है, दूसरे देश का कुछ है, लेकिन 1 घंटा तो दोनों के लिए 1 घंटा है। बट डियर स्टूडेंट, यहां ऐसी बात नहीं है अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं तो। प्यारे बच्चों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस इज द फील्ड ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी, गैलीलियन रिलेटिविटी, दिस इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, एंड दिस वन इज द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम ये पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमारे कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड होंगे। जैसे आपने पढ़ा भी होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इससे रिलेटेड है। यानी पहले हम कैसे, हमारी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या थी अकॉर्डिंग टू दिस, इन दिस डोमेन। फिर इसमें इसके पोस्टुलेट्स होंगे, फिर इसके रिलेटिविटी ऑफ टाइम, मास, साइमल्टेनिटी, मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट। दिस इज रफ गाइडलाइन, आउटलाइन ऑफ द सिलेबस विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक था, आई थिंक सारा हमने जो इसमें लिखा था वो कवर किया। प्यारे बच्चों, इसमें स्क्रीनशॉट लेने की तो कोई आवश्यकता है नहीं,
क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, बाकी फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।